धनबाद जिले में लगातार मिल रहे कोरोना मामले में शनिवार को कुल 26 नए मरीज मिले, जिसमें विशेष जांच अभियान में 7 और सामान्य जांच में 19 संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि शहरी क्षेत्र में मात्र 6 मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ झरिया में बहुत दिनों के बाद एक भी संक्रमण का मरीज नहीं पाया गया है। देर रात तक सभी मरीजों को विभिन्न कोविड अस्पतालों में भर्ती कराने की प्रक्रिया जारी रही। अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा गिरता जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्द हम लोग कोरोना से जंग जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना को हराकर 22 लोगों को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सभी लोगों को हेल्थ किट प्रदान कर 14 दिनों के होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। जिले में लगभग 5,744 मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,414 लोग अब तक संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं जिले में 300 के आसपास सक्रिय मरीजों की संख्या है। अगर हम बात करें तो अगस्त महीने से जिले में कोरोना के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब तक अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर महीने में कुल 5,096 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसमें अक्टूबर महीने में अब तक 656 मरीज मिले हैं। वहीं अब तक कोरोना से 75 लोगों की जान गई है। हम आपको बता दें कि धनबाद के शहरी क्षेत्र में मरीजों की संख्या ज़्यादा मिल रही है। ऐसे में सावधानियां बरतना बहुत ही ज़रूरी है। कृपया सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क पहनें जब तक आवश्यक ना हो, घरों से बाहर ना निकलें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा।